का जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है। उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है, देती है जग को जियारा, खुद बाती बन जलती है, अपनों के नाम वो कर जाती है। हो हो, अपनों के नाम वो कर जाती है, सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या हमारी बेटियाँ। ये दुल्हनिया ना बड़ी जादूगरनी निकली, बेटी पे तो जादू चलाई चलाई, ससुर पे भी जादू चला दी। अपूर्वा आप अभी तो आए और तुरंत जाने की बात कर रहे हैं। इस वक्त मिसेस थापर को मेरी जरूरत होगी। अब आपको हमसे ज्यादा उस अभिषेक जैसे हत्यारे की माँ से मिलना जरूरी है। पापा मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने आप को मल्लिका थापर के मामले से प्लीज अलग कर लीजिए। जीजाजी चाहते हैं कि पिताजी अभिषेक के खिलाफ किया हुआ केस वापस ले लें। पूर्वा क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। पापा एक तरफ मल्लिका मैम के बेटे की जिंदगी का सवाल है, दूसरी तरफ मेरे ससुर जी का आदर्श, एक तरफ मेरी तरक्की और दूसरी तरफ मेरा फर्ज। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं पापा। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारी परेशानी क्या है। दरअसल अभिषेक ने जो कुछ भी किया है ना, उससे तुम्हारी जिंदगी कुछ उलझ गई है। होता है बेटा, कई बार ऐसा होता है कि करता कोई और है, भरना सबको पड़ता है। पापा सब कुछ सही जा रहा था, मैंने मल्लिका मैम की नजरों में अपनी जगह भी बना ली थी, लेकिन ये सब अचानक से। आई डोंट अंडरस्टैंड। देखो बेटा अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं तो यही कहूंगा कि इसमें ऐसा कुछ सोचने लायक है ही नहीं। दीपक जी अब हमारे परिवार हैं, नौकरियां लाइफ में बहुत सी मिल जाएंगी, लेकिन बेटा परिवार तो एक ही होता है ना, और एक ही रहेगा। तुम मल्लिका थापर की कंपनी में नौकरी करते हो, मल्लिका की नौकरी नहीं करते। इसलिए अगर उसकी कंपनी में कोई लॉस होता है तो उसके लिए तुम चिंता कर सकते हो, पर मल्लिका की निजी जिंदगी में क्या कुछ घट रहा है उससे तुम्हें क्या लेना देना है? लो लो बात, खुद तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, अब बेटा तरक्की कर रहा है तो आपसे देखा नहीं जा रहा है, क्यों उल्टा सीधा पाठ पढ़ा के इसे गुमराह कर रहे हैं? देखो कल्याणी, मैं जो भी कह रहा हूँ उसके भले के लिए कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। लेकिन पापा क्या सही है और क्या गलत ये हम कैसे बता सकते हैं? नहीं बता सकते बेटा, जो सच है वो सही है और जो सच नहीं है वो गलत है। अभिषेक ने शास्त्री जी की हत्या की है और उसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। आप भी ना बस वो प्रोफेसर दीपक वर्मा की तरह ना जज्बाती हो रहे हैं। अरे जिंदगी जज्बातों से नहीं चलती। जिंदगी जज्बातों के बिना भी नहीं चलती कल्याणी। हाँ सारी समझदारी तो आपने कूट कूट के भरी है। रहने दो, तुम इस बात को कभी समझ नहीं पाओगे।
देखो बेटा, तुम केवल अपनी नौकरी से मतलब रखो, मल्लिका की निजी जिंदगी में क्या चल रहा है इसे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये अभिषेक जैसे इंसान ऐसे नाक की तरह होते हैं जो कभी ये ख्याल नहीं करते कि उन्हें किन हाथों ने दूध पिलाया था। उन्हें तो बस सामने वाले को डसना आता है, चाहे वो कोई भी। देखो बेटा, अभिषेक से हमें क्या लेना देना, हमें तो मल्लिका थापर से मतलब है ना। अब मल्लिका थापर का बेटा अभिषेक हो या ऋतिक हो, उससे हमें क्या लेना देना। ये तो गनीमत समझो कि वो दीपक वर्मा की गलतियों को मल्लिका थापर ने नजरअंदाज कर दिया और तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला है। देखो कल्याणी, अगर अपूर्वा इस लायक नहीं होता तो मल्लिका थापर उसे कभी भी अपनी कंपनी में नौकरी नहीं देती। और मेरी दूसरी बात, माँ बाप को चाहिए हमेशा अपनी औलाद को सही रास्ता दिखाएं, न कि उसे गुमराह करें। और माँ बाप का फर्ज ये भी होता है कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना। आप तो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, एक मौका मिला था कि अच्छे घर में इसकी शादी करें, वो भी नहीं करा पाए। अब अपूर्व तरक्की कर रहा है तो उसके रास्ते में रोड़ा क्यों बन रहे हैं। देख अपूर्व, तू मेरी सुन ना अपने पापा की, तुझे जो मन में आया वो कर। चलाक इंसान वही होता है जो हर मौके से फायदा निकाल ले। सुकन्या हमारी बेटियां। हालात बुरे नहीं होते, मैंने कहा, उन्हें अच्छा या बुरा इंसान खुद बनाता है। जैसे मैंने अपनी जिंदगी का हाल कर लिया, तुम्हारी मॉम से शादी करने के बाद मैंने अपनी जिंदगी तबाह कर ली। डैड, आप हमेशा मॉम को कोसते ही रहते हैं। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी मॉम को नहीं कोस रहा, मैं तो अपने आप को कोस रहा हूं, क्योंकि तुम्हारी मॉम से शादी करने का फैसला भी मेरा ही था। इसलिए कहता हूं बेटा कि जिंदगी में जो भी फैसला करना, सोच समझ के करना। तुम्हारे पापा ने एक गलती की, तुम्हारे भाई ने उससे बड़ी गलती, और मैं नहीं चाहता बेटा कि तुम कोई गलती। पर पापा, मैं मेनका, तुम यहां क्या कर रही हो? वो मॉम, अपने कमरे में जाओ। मुसीबत के वक्त अगर आप अपने परिवार को सहारा नहीं दे सकते तो कम से कम उन्हें डिप्रेस तो मत कीजिए। मैं कहां उसे डिप्रेस कर रहा हूं, मैं तो उसे सच का सामना करने की हिम्मत दे रहा था। हिम्मत जो इंसान जिंदगी में खुद हारा हो वो दूसरों को हिम्मत क्या देगा। ऐसा तुम्हें लगता है मल्लिका? भले ही मैं किसी को हिम्मत ना दे सकूं, अगर मेरी अपनी जिंदगी दूसरों के लिए एक सबक है। Oh God, you're so disgusting. पता नहीं वो क्या वक्त था जब हमने इस आदमी से शादी की। तुमने कहा की थी? वो तो तुम्हारी मजबूरी थी मल्लिका। इस वक्त आप पुरानी बातों को ना छेड़े,
तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम वैसे अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान हैं। आप एक काम क्यों नहीं करते? दिन भर तो आप यही करते हैं, वही कीजिए, कम से कम खामोश तो रहेंगे। हम कल भी खामोश थे और आज भी खामोश हैं। मगर क्या करे, अब हमारी खामोशी भी उनके कानों को चुभती है। मल्लिका मैम का फोन? हाँ पूर्व। यस मैम। अगले हफ्ते हमें दोबारा अभिषेक की जमानत की एप्लीकेशन देनी है, लेकिन हम चाहते हैं कि उससे पहले तुम हमारा कुछ काम करो। जी मैम, मैंने उनसे बात की लेकिन कोई फायदा नहीं। बहुत ही आदर्शवादी इंसान। अपूर्व, जब इंसान का आत्मविश्वास कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है तब वो न जाने क्या क्या नाम दे देता है उसे, आदर्श, उसूल, अंतरात्मा। लेकिन ये सब वक्त वक्त की बातें होती हैं और वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। नहीं मैम, मेरे ससुर जी औरों की तरह नहीं। हम भी औरों के जैसे नहीं हैं। अब हम दीपक वर्मा से तभी बात करेंगे जब हम उसका आत्मविश्वास शास्त्री जी की अस्थियों के साथ गंगा में बहा देंगे। मैं कुछ समझा नहीं मैम। अभी तुम्हें सिर्फ बस इतना समझना है कि जैसा हम कहते हैं वैसा करते जाओ। हम भी देखेंगे कि कानून हमारे बेटे को कितने दिनों तक अंदर रखता है। लेट्स वॉच। सुकन्या हमारी बेटियां। अभिषेक, अभिषेक सुनो बेटा। मत कहिए मुझे बेटा, मत कहिए मुझे बेटा। मैं आपका बेटा नहीं हूं, नहीं हूं मैं आपका बेटा। नहीं अभिषेक, ऐसा मत कहो। तुम्हारे बिना हम बिल्कुल टूट चुके हैं। हमें और ठेस मत पहुंचा। हमें वैसे इतनी तकलीफ हो रही है। तुम्हारे बिना हम कैसे जी पा रहे हैं ये हम ही जानते हैं। और मैं कैसे जी रहा हूं एक बार भी आपने मुझसे आकर पूछा? जी रहा हूं, मर रहा हूं, किसी को कोई परवाह नहीं है। नरक से भी बदतर है जिंदगी जेल की। रोज जेल की दीवार से टेक लगाए इंतजार करता हूं, शायद कोई मुझसे मिल जाएगा, लेकिन कोई नहीं आता। आप भी नहीं मांगो। अभिषेक, हम दिन रात यही कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें यहां से निकाल कर हम ले जाए, और हम तुमसे नहीं मिलने आए क्योंकि हमसे तुम्हारी यह हालत देखी नहीं जाती। मॉम, मॉम मैं छूट तो जाऊंगा ना। तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम तुम्हें यहां से बाहर ले जाएंगे, और हम तुम्हें यहां से बहुत जल्द बाहर ले जाएंगे। हाँ, तुम मायूस मत होना, बिल्कुल नहीं। हाँ, हमने आज ही अपूर्व से कहा है कि वो प्रोफेसर सिन्हा से जाकर बात करे,
तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। नहीं अपूर्वा नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि मैं अपने बयान से पलट जाऊं। ये कोई मामूली दुर्घटना नहीं है, ये हत्या का मामला है और वो भी लाला काशीनाथ कॉलेज के प्रिंसिपल की हत्या का। सिन्हा साहब, उसी लाला काशीनाथ कॉलेज की मालकिन श्रीमती मल्लिका थापर के आप पर कितने एहसान है ये कभी सोचा आप? सिन्हा साहब, यही तो अवसर है आपके पास उनका ऋण चुकाने। मल्लिका थापर का ऋण चुकाने के लिए मुझे अपनी जान की आहुति लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सिन्हा साहब, आप समझ नहीं रहे, आपसे आपकी जान कौन मांग रहा? हम तो बस इतना चाहते हैं कि आप अदालत में अभिषेक के पक्ष में गवाही दे, बस। आपको क्या लगता है अगर मैंने अभिषेक के पक्ष में गवाही दी तो मैं जिंदा रह पाऊंगा? कॉलेज के वो सारे छात्र जो कभी न बुझने वाली आग की तरह भड़के हुए हैं, मुझे भरे कॉलेज में फांसी पे लटका देंगे। नहीं, मैं अभिषेक के लिए अपनी जान तो नहीं दे सकता। अभिषेक के लिए आप अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकते, लेकिन एक बात बताओ सिन्हा साहब, आपने अभिषेक के लिए बहुत कुछ किया। तुम कहना क्या चाहते हो? सिन्हा साहब हड़बड़ा गए। सिन्हा साहब, आपको कॉलेज का प्रिंसिपल बनना है, ये आपका सपना है और इस सपने को पूरा करने के लिए आप अभिषेक को एग्जाम में नकल करने दे। और इसी बात को लेकर शास्त्री जी ने अभिषेक का मोबाइल छीन लिया और अलमारी में रख दिया। और आपने क्या किया, आपने अभिषेक से एक भारी रकम लेकर उस अलमारी का पता दिया और उसकी चाबी दी। और हाँ सिन्हा साहब, आप ही ने अभिषेक को फोन करके बताया था कि वो कॉलेज से भाग गया क्योंकि शास्त्री जी को ये सब पता चल गया। और सिन्हा साहब, जहां तक मुझे मालूम है, आप ही ने उस रात अभिषेक को फोन करके बताया था कि शास्त्री जी चल बसे, राइट सिन्हा साहब? सुकन्या हमारी बेटियां। सुकन्या हमारी बेटियां। क्या हुआ सिन्हा साहब, इतने सोच में पड़ गए? सिन्हा साहब, मुझे लगता है कि शास्त्री जी के हत्या के असली गुनहगार तो आप हैं। ठीक है, अभिषेक ने हत्या की है, लेकिन उस हत्या की प्रेरणा तो आप ही ने दी। हाँ, मैं मानता हूँ कि हत्या की प्रेरणा मुझसे मिली है, मैंने अभिषेक को इस हत्या में साथ दिया है, लेकिन ये बात किसी भी अदालत में साबित नहीं की जा सकती क्योंकि इस बात का ना कोई सबूत है ना कोई गवाह। और हाँ, अगर मैं मान भी लूँ कि मैंने अभिषेक की तरफ गवाही दे दी तो मुझे क्या फायदा, मुझे इस कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाएगा ना बस। नहीं मिस्टर, नहीं, इतना बड़ा बेवकूफी तो नहीं हूं। हाथ आया, इतना बड़ा अवसर जाने दो। शास्त्री जी का खून हुआ है, खून, और खूनी और कोई नहीं, इस शहर की सबसे बड़ी हस्ती मल्लिका थापर का बेटा है। और कोई पूछना है आपको? मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि आपकी डिमांड क्या है। वो मैंने मिश्रा जी को बता दी है। अरे सिन्हा साहब, तो मुझे भी बताइए ना। सिर्फ पांच करोड़। सही बात है सिन्हा साहब, एक ईमानदार प्रोफेसर को अपने ईमानदारी बेचने की इतनी कीमत तो मिलनी चाहिए। चलिए सिन्हा साहब, अब सीधा अपनी मुलाकात कोर्ट में होगी। Thank you.
मिलॉर्ड, सदालत के कटघरे में ये जो मासूम चेहरा आप देख रहे हैं, ये बेहद शातिर, बहुत ही खतरनाक और एक बेरहम इंसान है, जिसने केवल अपने प्रतिशोध की ज्वाला में बहकर अपने खिलाफ सबूतों को मिटाने के लिए शास्त्री जैसे महापुरुष का खून कर दिया और आधी रात को कॉलेज में जबरदस्ती घुसकर एक ऐसा अपराध किया जिससे सारी मानवता का सर झुक गया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन। थैंक यू मिलॉर्ड। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त को अपने शब्द वापस लेने चाहिए। शायद ये भूल रहे हैं कि अभिषेक थापर उस कॉलेज के मालिक हैं। उन्हें वहां जाने के लिए ना ही किसी से परमिशन लेने की जरूरत है और ना ही जबरदस्ती करने की। कॉलेज के मालिक होने के नाते कभी कभी अभिषेक थापर रात को उस कॉलेज में जाया करते हैं। वहां के अनुशासन वगैरह चेक करने के लिए। और उस दिन अभिषेक थापर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त एक नई कहानी लिख रहे हैं, जबकि पिछली पेशी में चौकीदार का बयान दर्ज हो चुका है कि किस तरह अभिषेक थापर ने कॉलेज का गेट फाड़कर चौकीदार को पीटा। और योर ऑनर, चौकीदार की कही हुई बात पर ना हमने एतराज किया है और ना ही उसका खंडन किया है। उसके द्वारा कही हुई एक एक बात सत्य है। योर ऑनर, अभिषेक थापर ने कॉलेज की गेट को लांग कर चौकीदार को पीटा, मगर क्यों ये मैं अदालत को अब बताना चाहता हूं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। खुलासा मेरे काबिल दोस्त की जुबानी नहीं, मुजरिम की जुबानी सुनना चाहेंगे। और अगर आपकी इजाजत हो तो मुलजिम से मैं कुछ सवाल करना चाहूंगा। इजाजत है। मिस्टर अभिषेक थापर, क्या आप मुझे बताएंगे कि उस रात, कत्ल की रात, आप कॉलेज में क्यों और किस लिए गए थे? जज साहब, उस रात मुझे पता चला कि मेरे कॉलेज के कुछ छात्र इंग्लिश का पेपर लीक करना चाहते हैं, जो कि शास्त्री जी के लॉकर में था। उन छात्रों की इस बात का पता चलने के बाद ही मैं फौरन कॉलेज चला गया। गेट पर ताला लगा था, इसीलिए मैंने चौकीदार को आवाज लगाई, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और दरवाजा नहीं खोला और मजबूरन मुझे गेट को फान कर चढ़ना पड़ा। अपनों के नाम वो कर जाती है सारा जीवन अपना, बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या सुकन्या सुकन्या।